कोई जानता है कि मेरा परिचय क्या है? तुम क्या हो उसकी? आज घर में पूजा है, बड़ो दिन है, लड़ाई झगड़ा कौन करो। सुन ले छोरी, ऊंची आवाज में ना बात करनी। क्या उम्मीदें लगा रखी थी आपने इनसे? और आपके भतीजे में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो उसे गुणी पत्नी मिले? रे बाप रे, यह छोरी तो बिल्कुल अलग किस्म की है। इसकी भी कह की जैसी जबान चाले है। सुन ले छोरी, इस घर में ऊंची आवाज में नहीं बोलना। राजेश को पता लग गया ना तो? आप मेरे सामने किसी की बेइज्जती करेंगे तो मैं जवाब दूंगी। सीरियल दुर्गा अटूट प्रेम कहानी में आया दिलचस्प मोड़, जहां बुआ जी का घर में हुआ आगमन और वही दिखा दुर्गा का नया रूप। क्या उम्मीदें लगा रखी थी आपने इनसे? और आपके भतीजे में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो उसे गुणी पत्नी मिले? जी हाँ, सीरियल दुर्गा अटूट प्रेम कहानी में रोचक मोड़ देखने को मिला जब राजेश के घर में उनकी बुआ जी अपने नाती मोहन के साथ आती है। घर में प्रवेश करते ही बुआ जी ने अपने खास अंदाज से सबका ध्यान खींचा। इतने दिनों बाद याद आ रही है सारे को बुआ की? शादी कर ली इसीलिए बुआ को याद कर लिया, चेहरा देखने के लिए बुला लिया। अरे कट्टे है तू। राजेश बुआ जी से उनकी नई बहू दुर्गा के बारे में पूछते हैं, जिस पर बुआ जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बहुत सुंदर है। कैसी लगी हमारी नई भिंडी? बहुत सुंदर है, सच में बहुत अच्छी है। रात बड़ी बढ़िया है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब दुर्गा से खाने के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वह मना कर देती है ये कहते हुए कि उसका मन नहीं है। आज से इसकी देख रेख की पूरी जिम्मेदारी थारी, समझे? इस पर राजेश कहता है, ऐसे कैसे नहीं खाओगी? फिर घर वाले दुर्गा को याद दिलाते हैं कि आज करवा चौथ है और उसे व्रत रखना होगा, साथ ही सभी रस्में निभानी होंगी। करवा चौथ की पूजा करनी है तो उपवास भी रखना होगा और दिए भी जलाने होंगे। इस पर दुर्गा बिना किसी झिझक के कहती है, जरूर करूंगी। ये सुनकर बुआ जी भी खुश हो जाती है और राजेश भी हैरान हो जाते हैं। तू अपने पति के लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए करवा चौथ की पूजा किया जाए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब बुआ जी राजेश की पहली पत्नी की बेइज्जती करती हैं। अरे ये तो ठीक है ना, मर्द तो मर्द ऐसे ही बनते हैं, एक औरत के साथ रह रहे हैं वो बेवकूफ हुए हैं। इस पर दुर्गा चुप नहीं रहती और अपने ही अंदाज में बुआ जी को खरी खोटी सुना देती है, जिससे बुआ जी भी हैरान रह जाती हैं। क्या उम्मीदें लगा रखी थी आपने इनसे? और आपके भतीजे में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो उसे गुणी पत्नी मिले? रे बाप रे, क्या छोरी तो बिल्कुल अलग किस्म की है। इसकी भी कह की जैसी जबान चाले है। सुन ले छोरी, इस घर में ऊंची आवाज में नहीं बोलना। राजेश को पता लग गया ना तो? आप मेरे सामने किसी की बेइज्जती करेंगे तो मैं जवाब दूंगी। दुर्गा का ये नया रूप देखकर घर के लोग चौंक जाते हैं। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा। मजबूरी में की गई ये शादी है, दुर्गा ने अपने प्यार के लिए कदम उठाया है, दिल टूटा है पर लेकिन अब वो रियलिटी मान चुकी है, लेकिन चुप नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ जरूर करेगी। पर देखते हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा शो की दुर्गा क्या करती है और उसके क्या स्टेप्स होने वाले हैं। दुनिया के लिए ये मैंने राजेश के लिए रखा है, लेकिन असली व्रत मैंने मेरे प्यार के लिए रखा है, इसलिए मैं ये करवा चौथ खुशी खुशी मना रही हूँ। क्योंकि सबको लगता है ये राजेश के लिए, लेकिन ये राजेश के लिए नहीं है, मैं अपने प्यार के लिए कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा था कि थीम वाइट है, इसलिए मुझे वाइट में ही रखा है और ये मेरे पोस्ट शादी का पहला लुक है। तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही हूँ मेरे पहले वाले लुक से, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ एम आई लुकिंग। एक्चुअल में ये है कि दुर्गा की शादी ज़बरदस्ती हुई है और राजेश के साथ मैंने सारा षड्यंत्र रचा है, और शादी ज़बरदस्ती होने के कारण दुर्गा इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि उसको सब कुछ पता है कि ये सब कुछ खेल है, उसको फंसा कर शादी किया गया है। और बस दुर्गा आ गई है शादी करके, अब बस उसे परेशान कर रहे हैं हम।
मेरा किरदार है चांदनी और मैं राजेश की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं दुर्गा को मतलब शादी करने में फंसाने में पूरा हेल्प करती हूँ राजेश की और बस मेरा नेगेटिव कैरेक्टर है और आप आगे सस्पेंस है, आप देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये षड्यंत्र तो नहीं है, एक्चुअल में क्या है ना कि ज़बरदस्ती शादी की गई है तो दुर्गा इस शादी से खुश नहीं है तो घर आई हुई है और सारे रीति रिवाज बुआ के आने पर उसे करना पड़ेगा तो वो हर रीति रिवाज मान रही है क्योंकि उसके पीछे भी कुछ साजिश है दुर्गा की।